हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पाथ मेकर पे। और मैं हूं विवेक। दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूं बहुत बड़ी अपडेट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले SBI CBO रिक्रूटमेंट 2020 की। CBO मींस सर्किल बेस्ड ऑफिसर। माय डियर, इसमें जो हाल फिलहाल आज की डेट में नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और 3,850 वैकेंसी के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। तो दोस्तों, चलते हैं आज के नोटिफिकेशन पे। और दोस्तों, आज हम इस पे ही बात करेंगे कि SBI PO और SBI CBO इन दोनों में डिफरेंस क्या है, किस तरीके की जॉब है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लोग कंफ्यूज है कि CBO होता क्या है, कि क्या बहुत से इसमें भी कंफ्यूज है कि ये सोच रहे हैं कि PO की जॉब को CBO में कन्वर्ट कर दिया है। तो आज हम पूरी डिफरेंस क्लियर करने वाले हैं माय डियर, ठीक है? तो देखते रहिए, लास्ट तक बने रहिए हमारे वीडियो में माय डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, पल पल के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है। ये देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिक्रूटमेंट ऑफ सर्किल बेस्ड ऑफिसर। सर्किल बेस्ड ऑफिसर है। हालांकि मैं बताऊंगा आपको लास्ट में कि PO और सर्किल बेस्ड ऑफिसर में थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? देखिए, इसका जो फॉर्म स्टार्टिंग है वो आज की डेट से स्टार्ट हो रहा है और जो फॉर्म एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 16 अगस्त है, ठीक है? अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें। देखिए, वैकेंसी, देखिए नाम से पता चल गया होगा आपको, सर्किल बेस्ड ऑफिसर। सर्किल मीन्स अलग अलग सिटीज़ में निकली हुई है वैकेंसी, अलग अलग स्टेट्स में। तो देखिए, यहाँ पे अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, महाराष्ट्र, ये अलग अलग ये स्टेट्स की सिटीज़ हैं। जिसमें टोटल वैकेंसी की बात करें माय डियर, तो देखिए टोटल वैकेंसी 3850, ये टोटल वैकेंसी आपकी यहाँ पर आज की डेट में अनाउंस हो चुकी है, ठीक है? हालांकि इस वैकेंसी में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, बट एक्सपीरियंस भी ऐसा है माय डियर कि बताने में बहुत अच्छा है, ठीक है? तो इसलिए मैं इस वैकेंसी के लिए लाया हूँ। अदरवाइज़ मैं अगर इसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगता ना तो मैं इस वैकेंसी के बारे में बताता ही नहीं आपको, ठीक है? अब हम आगे बात करते हैं माय डियर इसका। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं माय डियर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ अगर ग्रेजुएशन है ना तो इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हो माय डियर। हालांकि इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी डिटेल में, ठीक है? बट ग्रेजुएशन कंपलसरी, ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो माय डियर, ठीक है? देखिए, एज के बारे में बात करें, देखिए एज आपकी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बस। देखिए, इससे पहले क्या बोला, नॉट अर्ली, मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इससे पहले की नहीं होनी चाहिए, 2 अगस्त 1990 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 30 साल से आप ज़्यादा एज के नहीं होने चाहिए। मतलब 30 तक के अगर एज है आपकी तो इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है माय डियर? अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बोला इसमें एक्सपीरियंस मांगो। देखिए क्या है एक्सपीरियंस, है मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस एज ऑन 1 अगस्त 2020 एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक। माय डियर, जो इसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, आपको किसी भी बैंक में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, बस 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। कब तक? 1 अगस्त 2020 तक आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये इसमें बहुत अच्छी बात है। देखिए, बहुत सी वैकेंसी इसमें निकलती है जिसमें मांगा होता है कि गवर्नमेंट में ही आपको एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस जो मांगा हुआ है प्राइवेट या गवर्नमेंट, किसी में भी हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो, आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। और एक बहुत अच्छी बात माय डियर, इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, ओनली इंटरव्यू बेस्ड ये आपकी वैकेंसी है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस माय डियर, ठीक है? आगे हम बात कर लेते हैं माय डियर इसका। देखिए, हालांकि इसमें बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन दिए हुए हैं जिसका नोटिफिकेशन में आपको आपको मिल जाएगा, इसका नोटिफिकेशन हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस वहाँ से आप लिंक से डाउनलोड करके इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें ही आपको कवर करा रहा हूँ, ठीक है? देखिए, अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें माय डियर, देखिए द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन सॉर्टिंग एंड इंटरव्यू। मतलब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, फॉर्म आपका शॉर्टलिस्ट होगा, उसके बाद एक छोटा सा इंटरव्यू होगा। अगर इंटरव्यू अच्छा गया आपका तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा माय डियर। और इसमें बोला भी गया है माय डियर कि अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो ये
SBI अपना इसका एग्ज़ाम भी करा सकती है, बट हालांकि इसने मेंशन नहीं किया, बस बोला हुआ है कि हम करा भी सकते हैं एग्ज़ाम अगर इसमें एप्लीकेंट्स ज़्यादा अप्लाई करते हैं माय डियर। ठीक है, अब देखिए इसमें सैलरी की बात करती है तो मिनिमम सैलरी 23,700 है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए फॉर्म फीस की बात करें माय डियर, तो देखिए जनरल OBC और EWC के लिए 750 है और SC ST PWD के लिए कोई फीस नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे देखिए इस वेबसाइट से जाके आप इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं माय डियर। और देख लेते हैं इसकी। ठीक है दोस्तों, ये बाकी देखिए ये जनरल इंस्ट्रक्शन है जो आप PDF डाउनलोड करके प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं। ये जो मेन मेन चीज़ थी ना, मैंने आपको पूरी क्लियर करा दी, बिल्कुल क्लियर कट। अब देखिए PO का क्या होता है, PO आपका प्रोविजनरी ऑफिसर होता है माय डियर, और ये CBO जो ये है सर्किल बेस्ड ऑफिसर। सर्किल बेस्ड ऑफिसर में क्या होता है, आपका एक्सपीरियंस मांगते हैं इस जॉब के लिए, कि किसी में भी आपको प्राइवेट या गवर्नमेंट में आपको बस एक्सपीरियंस होना चाहिए, बस प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में किसी में भी चल जाएगा, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और प्रोबेशनरी ऑफिसर में क्या होता है, उसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, ओनली फ्रेशर, उसमें ज़रूरत नहीं है फ्रेशर, उसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, वो ऐसी जॉब है। ठीक है, प्रोबेशनरी ऑफिसर, तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट जॉब है माय डियर। ठीक है, ये क्लियर कट आपको होना चाहिए माइंड में। तो दोस्तों ये था आज का फुल नोटिफिकेशन, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिसको इसके बारे में नहीं पता उसको भी इसके बारे में पता चल जाए। माय डियर, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद।